राजस्थान में गुर्जर आंदोलन तेज, भरतपुर में मुंबई दिल्ली रेल रूट पर प्रदर्शनकारियों ने किया कब्जा। प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों की फिश प्लेट भी निकाली, जमकर की नारेबाजी। गुर्जर आंदोलन की वजह से रेल यातायात पर असर, कई ट्रेन के रूट में बदलाव, वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने दी जानकारी। करौली में भी गुर्जर आरक्षण के मसले पर आंदोलन, प्रदर्शनकारियों के विरोध के बाद लौटे मंत्री अशोक चांदना। प्रदर्शन की वजह से करौली में रोडवेज की बस भी बंद, लोगों की बड़ी मुश्किलें। अजमेर में भी आरक्षण के लिए जबरदस्त गुर्जर आंदोलन, प्रदर्शनकारियों ने अजमेर कोटा हाईवे जाम किया, आगजनी। बहराइच में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, 10 जख्मी। पाली में भी हादसा, 3 ट्रक की आपस में भिड़ंत, 2 की मौत। नेशनल हाईवे 62 पर हुए हादसे के बाद ट्रक के केबिन तोड़कर निकाले गए शव। अयोध्या से लखनऊ जा रही बस में अचानक लगी आग, उसमें सवार सभी 39 यात्री बाल बाल बचे। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक में लगी आग, 4 लोगों की झुलसकर मौत, 3 की हालत गंभीर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश, फ्रांस और ईसाइयों के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। छात्र नेता फरहान जुबैरी ने ईसाइयों के कत्लेआम को ठहराया जायज, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। बल्लभगढ़ में कल हुए बवाल को लेकर पुलिस का एक्शन, हंगामा पथराव करने के आरोप में 30 लोग शिकंजे में। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक हंगामा करने वालों में कई शहर के बाहर वाले, हिंसा की साजिश रचने वालों की जांच पड़ताल। कल बल्लभगढ़ में सैकड़ों की भीड़ ने की थी महापंचायत, उसके बाद कुछ शरारती तत्वों ने किया था पथराव, पुलिस को करना पड़ा था लाठीचार्ज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के दावों पर उठाए सवाल, पूछा 10 लाख रोजगार कहां से आएगा, कहां से लाएंगे पैसा। अब बिहार में तीसरे दौर के प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, आज यूपी के सीएम की कई चुनावी सभाएं। योगी आदित्यनाथ का बिहार में आज वाल्मीकि नगर में चुनावी सभा का आगाज, रक्सौल और सीतामढ़ी में रैलियां। बिहार के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा की बदजुबानी, नीतीश कुमार के लिए कहे अपशब्द। तेजस्वी यादव ने फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा, उनकी विदाई तय है। देखिए नीतीश कुमार जी, हम बार बार कह रहे हैं, थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। अस्पताल की व्यवस्था क्यों चरमराई है? देखिए नीतीश कुमार जी, तेजस्वी बोले जो नीतीश ने नहीं किया उसे पूरा करने के लिए बिहार एक मौका दे, करके दिखाएंगे। चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर बोला सियासी हमला, कहा शराब तस्करों के लिए चिंतित रहते हैं मुख्यमंत्री। मुंगेर कांड को लेकर चिराग का नीतीश पर आरोप, बोले उन्हीं के आदेश पर चलाई गई गोली। कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान, 17 जिलों में 94 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे दौर में आरजेडी 56, बीजेपी 46 और जेडीयू के 43 उम्मीदवार मैदान में, प्रशासन की तरफ से तैयारियां आखिरी दौर में। दूसरे चरण के चुनाव में कुल 1,464 उम्मीदवार मैदान में, तेजस्वी, तेज प्रताप, नंदकिशोर समेत कई बड़े नेताओं की किस्मत का होगा फैसला। सिवान में कल 8 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट, सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव समेत थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम। 3 नवंबर को सहरसा में पीएम मोदी की चुनावी रैली, उसमें शामिल होने वाले नेताओं और सुरक्षा कर्मियों की कोरोना की जांच। यूपी में एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए मायावती को बीजेपी की दोस्ती से परहेज नहीं, समाजवादी पार्टी को बताया दलित विरोधी। प्रत्याशी को हराने के लिए, किसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे, सपा के दूसरे खड़े। मायावती ने कहा बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद बीएसपी ने अपने चारों शासनकाल में एक भी दंगा नहीं होने दिया। मायावती ने भी कहा बीएसपी की विचारधारा बीजेपी के ठीक उलट है, लिहाजा विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी से नहीं होगा कोई समझौता। मायावती का आरोप, लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करने पर बीजेपी ने मुझे सीबीआई केस में फंसाया, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने नहीं दिया मेरा साथ। मथुरा के नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज पढ़े जाने पर बवाल, धोखा देकर ऐसा कराने का आरोप। नमाज पढ़ने के 4 आरोपों के खिलाफ पुलिस की सख्ती, दर्ज की एफआईआर। मंदिर सेवायतों को गुमराह कर परिसर में पढ़ी गई नमाज, भावनाओं को आहत करने का आरोप। हापुड़ में मंदिर जा रही लड़की पर बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से किया हमला, आरोपियों का सुराग नहीं। बिजनौर में एक सिपाही पर दोस्ती के नाम पर महिला से रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पीओके में पाकिस्तान सरकार की नई चाल, गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान। रविवार को गिलगित के दौरे पर थे इमरान खान, यही जनसभा में नए फैसले का किया जिक्र। गिलगित में चुनाव कराने का ऐलान भी कर चुकी है। उनको प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की,
जो हमने गिलगित में चुनाव कराने का भी ऐलान कर चुकी है पाकिस्तान सरकार, नवंबर में होने हैं चुनाव। इमरान खान ने कहा चुनाव की वजह से पैकेज का ऐलान बाद में, हाल के दिनों में गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन। इमरान खान के फैसले के खिलाफ भारत ने जताई सख्त आपत्ति, विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा पीओके में पाकिस्तान को ऐसे फैसले करने का अधिकार नहीं। भारत ने एक बार फिर कहा 1947 के वैध विलय के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरह भी गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग। भारत ने सख्त लहजे में दी चेतावनी, दर्जा बदलने की बजाय अवैध कब्जे को खाली करे पाकिस्तान सरकार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीती रात भी पाकिस्तान ने किया सीज फायर उल्लंघन, शाहपुर किरणी और कस्बा सेक्टर में फायर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर सैफुल्ला भेड़। पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में हत्या चढ़ा सैफुल्ला, तीन बीजेपी नेताओं की हत्या का था मास्टरमाइंड। श्रीनगर के रंगरेत इलाके में हुई मुठभेड़, जिंदा पकड़ा गया आतंकी का एक सहयोगी। सैफुल्ला को इसी साल हिजबुल ने बनाया था अपना चीफ, मई में मारा गया रियाज नायकू। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त सर्च ऑपरेशन, रंगरेत इलाके की घेराबंदी। देशभर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 82,29,000 के पार, 24 घंटे में 45,000 नए मामले, 24 घंटे में 54,000 संक्रमित हुए रिकवर, इतने ही समय में करीब 496 लोगों ने गवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,369 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 113 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में फिर 24 घंटे में 5,664 नए मामले, 51 लोगों ने गवाई जान। कोरोना को लेकर गृह सचिव अजय भल्ला की आज बैठक, महाराष्ट्र दिल्ली बंगाल जैसे राज्यों के मुख्य सचिव होंगे शामिल। लखनऊ में मुफ्तीगंज गर्ल्स कॉलेज के पास लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। पश्चिम बंगाल के लेक टाउन में आग से तबाही, सुबह हुए हादसे में 4 घर जलकर खाक। पुरानी दिल्ली के चूड़ीवाला इलाके में 2 लाश मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। हावड़ा में लोकल ट्रेन में चढ़ने से रोके जाने पर बवाल, नाराज यात्रियों ने वैद्यवटी स्टेशन पर ट्रेन रोककर किया प्रदर्शन। तरनतारण में किसानों ने 1 करोड़ के जुर्माने पर भड़के किसान, पराली जलाकर केंद्र सरकार का किया विरोध। आजमगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, 5 लोग घायल। महाराष्ट्र के बारामती में कोरोना जागरूकता पर भाषण दे रहे मंत्री ने नहीं पहना था मास्क, 100 रुपए का लगा जुर्माना। पुणे के इंदापुर में हिरण पकड़ने वाला शख्स गिरफ्तार, आरोपी से हिरण भी बरामद। पर्यटकों के लिए खोला गया दुधवा टाइगर रिजर्व, कोरोना को देखते हुए 10 साल छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को एंट्री नहीं। झालावाड़ में 2 गुटों की आपसी रंजिश में खूनी झड़प, 12 लोग जख्मी। हरियाणा के जींद में घर के बाहर एक महिला पर हमला, सिर में मारी गई गोली, पुलिस को संपत्ति विवाद का शक। ग्रेटर नोएडा में आईपीएल के लिए सट्टेबाजी करने वाले 5 गिरफ्तार, कब्जे से लैपटॉप कार और मोबाइल जब्त। सोनभद्र में तहसील परिसर में मासूम बच्चे की हत्या के आरोपी को देख रोने लगे मां बाप, इंसाफ की लगाई गुहार। परिवार के मुताबिक थाना अध्यक्ष करीबी था आरोपी, सबूत नहीं मिलने की दलील देकर केस को बंद करने का आरोप, कुएं में मिला था बच्चे का शव। राजस्थान के सिरोही में चांदी सोने और हीरो की खेप जब्त, 3 लोग हिरासत में। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में आतिशबाजी के दौरान विस्फोट, 4 बच्चे बुरी तरह से झुलसे। हावड़ा में महिला की चेन छीनकर भागे बाइक सवार, पुलिस के हत्थे चढ़े, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शादीशुदा प्रेमी ने प्रेमिका का किया कत्ल, पुलिस के सामने किया सरेंडर। नोएडा में फर्जी कागजात के जरिए लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। रांची के हिंदी पीढ़ी इलाके में गोलीबारी में महिला घायल, घायल महिला के घर में मिली एक शख्स की लाश। एक महिला पर फिरोजाबाद में तेजाब से हमला, छेड़खानी का विरोध करने पर हमले का आरोप केस दर्ज। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को फिर एनसीबी का समन, जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। करिश्मा प्रकाश अब तक लापता, मोबाइल भी बंद, एनसीबी ने मां को थमाया समन। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक, आईटीओ चांदनी चौक लाल किला इलाके में दिखी धुंध। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 362, सोनिया विहार बवाना पड़पड़गंज में 300 के पार पहुंचा आंकड़ा। वाराणसी में शहीदों की स्मृति में गंगा सेवा निधि द्वारा आकाश दीप प्रज्वलन कार्यक्रम, 30 नवंबर तक कार्यक्रम। आंध्र प्रदेश में आज से खुल रहे हैं स्कूल, शिक्षा मंत्री ने कृष्णा जिले में दौरा कर इंतजाम का लिया जायजा। आज श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व, रंग बिरंगी रोशनी से सजा श्री हरमंदिर साहिब। अभिनेता शाहरुख खान का आज जन्मदिन, कल शाम से ही मन्नत के बाहर जुटे फैंस। कोरोना की वजह से शाहरुख ने भीड़ नहीं जुटने की अपील की, पुलिस लोगों को समझाकर भेजती रही वापस।
5 नवंबर को किसान संगठनों का देशव्यापी चक्का जाम, बरनाला में किसान नेताओं ने बनाई रणनीति। लाहौल स्पीति में 3 दिन से बर्फबारी का दौर जारी, सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। कई इलाकों में 8 इंच तक जमी बर्फ की मोटी पर, रोहतांग दर्रे तक यातायात को किया गया बंद। बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, पारा 0 से 6 डिग्री नीचे पहुंचा, लोगों का घरों से बाहर निकलना बंद। अमृतसर में सिखों के चौथे गुरु रामदास का प्रकाश पर्व आज, हरमिंदर साहिब में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रन से दी मात, गेंदबाज पैट कमिंस बने मैन ऑफ द मैच। पैट कमिंस ने 4 ओवर में 34 रन देकर छटके 4 विकेट। कोलकाता ने कप्तान मॉर्गन के तेज तरार 68 रन की बदौलत बनाए 7 विकेट पर 191 रन, 131 रन की बना सकी राजस्थान रॉयल्स की टीम। अंक तालिका में 18 अंकों के साथ मुंबई नंबर 1 स्थान पर पहुंची। 14 अंकों के साथ आरसीबी दिल्ली और केकेआर दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान के लिए बड़ी होड़। सनराइजर्स हैदराबाद भी चौथे पायदान की रेस में।